नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। झारखंड के धनबाद जिले के निरशा विधानसभा के 11 कुंड प्रखंड अंतर्गत काली पहाड़ी पूरब पंचायत के बरजोड़ बस्ती में पानी की किल्लत से गुजर रही है कई जिंदगियां। हमारे संवाददाता ने इस संदर्भ में जब ग्रामीणों से बात की तो उनमें काफी आक्रोश दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक इस गांव में ग्रामीण पानी से महरूम है। लोग यहां से 3 किलोमीटर दूर ब्राकर नदी से पानी भरकर लाते हैं। ग्रामीणों ने कहा कि अब सभी ग्रामीणों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 को जाम कर आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने बताया कि हमारे ग्राम से कुछ ही दूर पर मैथन डैम है, जहां से झारखंड और बंगाल में पानी सप्लाई होती है, लेकिन हम बदनसीबों को आज़ादी के बाद से भी पीने के पानी से भी वंचित रखा गया है। कुछ वर्षों पहले जब चिरकुंडा क्षेत्र की ओर पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा था तो हम लोगों ने इसकी जानकारी स्थानीय मुखिया को दी थी, लेकिन हम ग्रामीणों को सिर्फ आज तक आश्वासन ही मिलता रहा है, किंतु पानी अब तक नसीब नहीं हुआ। इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने स्थानीय मुखिया सारथी मरांडी से मुलाकात की। मुखिया सारथी मरांडी ने कहा कि प्रयास जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। उल्लेखनीय है कि धनबाद से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसे झारखंड और बंगाल सीमा के मध्य स्थित मैथन काली पहाड़ी के पूर्वी पंचायत बरजोड़ बस्ती के लोग नदी का गंदा पानी छानकर पीने को मजबूर हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि बरजोर बस्ती के कुछ लोगों को डायरिया भी हुआ है, लेकिन प्याज बुझाने का कोई दूसरा विकल्प है भी नहीं। बस्ती की महिलाएं, पुरुष एवं छोटे बच्चे नदी एवं तालाब से पानी लाने को मजबूर हैं। क्षेत्र में नेता और अफसर वातानुकूलित कमरों में होने वाली बैठकों में मिनरल वाटर पीते देखे जा सकते हैं, लेकिन बरजोड़ गांव में पीने का पानी एक बड़ी समस्या अभी भी बना हुआ है। बरजोड़ पंचायत के इस टोला में 70 घर के तकरीबन 400 लोग जो नदी का पानी पीकर जिंदगी गुजार रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पानी की बहुत समस्या है, हम लोग नदी का गंदा पानी कपड़े से छान कर पीते हैं। गांव वाले 3 किलोमीटर दूर जाकर ब्राकर नदी से पानी लाते हैं। चापा नल और कुआं के लिए भी कई बार गांव के लोग मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधि के पास गए थे, लेकिन समस्या का हल अब तक नहीं हुआ है। बरजोड़ के ग्रामीणों के मुताबिक गांव में स्वास्थ्य सुविधा भी नहीं है, सबसे बड़ी परेशानी पानी ही बता रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ दिनों के बाद अगर पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो पूरे गाँव के लोग इकट्ठा होकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कुछ जाम कर भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। हमारे जदि इधर जल जदि ना पाए, हमारे मन कर भाई पास रोडे हमरा देख चाहड़ी नहीं, हमरा हड़ताल जत मियां छेला सब जाए बैसबो, गाड़ी घोड़ा जा किछु फेरा हमरा फेरे दिबो नहीं। पानी पीने का नहीं है, आप लोग बाहर से पानी लाते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने क्या किया और आप लोगों की कैसी समस्या है आप बताएं। घेरा में देखो जल नहीं, हमारे वो बेटी नदी मन कर कत दूर 3 मीटर किलो आगे और डेकची तक जल आनछी, तो मन करो सकाल है तो स्नान करते जाए एक डेकची आनछी, जार घर 5 परिवार अच्छे 10 परिवार अच्छे एक डेकची जले तो हबे नहीं हबे बोलो नहीं। तुमरा जे आसी छो तुमरा के हमरा एक गिलास जल खाए तो लागब, हमारे जल ही नहीं है तो कत हेल्ला खवाब तुम्हारे इसके। हमारे मन करो देखो ये हमारे डाड़ी चुआ जल आने खाची समय जन नदी बांध छाड़ी दीचे तो हमारा डूबा जल ही खाची, काड़ा मरुक गोरु मरुक जा मरुक वही जलटाई हमारे सब छिले पेले डूबाई खाची। मुखिया को हमरा बोले वो मन करो सुने ना, जत नेतारा आसे सबाई के बोले कौ मन करो हमारे जल व्यवस्था कर देखो मन करो यहाँ पाइप लाइन भोट दीवार समय कता पार्टी आससे भोट जहन फेर जाए कर दर्शन पाची नहीं तो बोलो हमारे कार पार्टी का हमारा जाए डाड़ब जे जल दा जल दा, तो इनारा आस तो इनारा कह बोल तेल जल व्यवस्था कर दाओ और इनारा कदूर कर
इस बार आमा तो जहान मान करो वोट लेवा समय कत लोग नेता आसे विधायक आसे मुखिया आसे आराम फोन करो पार्टी रा आसे अत चीनी ना जानी ना को तमन करो वोटे समय आसे अखन केओ आसे ना আমাদের গায়ের নাম গ্রামের নাম হলো বড়জোর আমাদের জলের খুব অসুবিধা পাহাড়িপুরা পঞ্চায়েত মে হ্যাঁ গ্রামীণ কাজ আরোপ হ্যাঁ কি হমে পানি কি ব্যবস্থা নাই করাই গে গরমি কো দেখতে হুয়ে পানি কি কিল্লত বহুত জাদা হ্যাঁ বিষয় মে হম আজ পঞ্চায়েত ভবন মে ইহা কে মুখিয়া সে বাত করনে কে লিয়ে পৌঁছে হ্যাঁ আইয়ে জানতে হ্যাঁ ক্যা কুছ কহতি হ্যাঁ পানি কি সমস্যা কো লেকে মুখিয়া জি আপনে ক্যা কুছ কিয়া আর ক্যা কুছ করনে কা আশ্বাসন তো রূপনাম আদেশকে বলেছিল কি তিন চার মাস ভিতরে তোমাদের জল চলে আসবে পঞ্চায়েত মানে কালীপাড়ে পুরো পেচার গজে সে কি বস্তি আছে না আমাদের সেই মেটারে পেপারও দিয়েছিল দু তিন মাস ভিতরে চলে আসবে কিন্তু ওইটুকু হয়নি ফির ডাবলবাড়ি চিরকুন্ডা থেকে জল নিয়ে যাচ্ছিল বাইপাস হইতে এনএসটুকে তো আমরা মোটামুটি এরিয়া 1,500 মতন লেডিস জেন্টস ওইখানে হাততালে বসেছিলাম সেই সময় ডাবলবাড়ি চলে এলো ভিডিও সাহেবও চলে এলো পিএইচডি বিভাগে যারা মানে ওনারাও চলে এলো ফির এসে পরে আমাদেরকে বললো কাল আমরা পঞ্চায়েত ভবনে মিটিংয়ে বসবো তো ফির আমরা পঞ্চায়েত ভবনে মিটিংয়ে বসলো কিন্তু আমাদের ওইখানে শুধু এটাই বললো যে দু আর তিন মাস ভিতরে তোমাদের গ্রামে জল চলে আসবে কিন্তু দু মাসকে এখন এক বছর হইতে চললো এখন হইতে आप लोग क्या आश्वासन दिया गया पीएचडी और विभाग वगैरह से या फिर आपने लिखित में जानकारी किसी को दी है अभी तक लिखित में हम तो पीएचडी विभाग को ही दिए थे क्या रिप्लाई आया बांग्ला में ही बोलिए आप रिप्लाई हम करेंगे हो गया बस वो ही सिर्फ आश्वासन दिया बस उससे कुछ हमारा नाम है शारदी मरांडी ग्राम पंचायत कालीपाड़ी पूर्व मुखिया